ये 400 बेड का गुरु तेग बहादुर कोविड सेंटर बनाया गया, कोविड केयर सेंटर, क्योंकि गुरु साहब का 400 साल का प्रकाश पर्व है, इसलिए इस स्थान के ऊपर 400 बेड का ये फर्स्ट फेज में शुरू किया जा रहा है, जो कि कल से ऑपरेशनल होगा। इस कोविड केयर सेंटर के अंदर हर तरह की फैसिलिटी होगी, ऑक्सीजन बेड से लेकर दवाइयों से लेकर हर तरह के ट्रीटमेंट की, प्रॉपर डॉक्टर से लेकर। और ये कोविड केयर जो फैसिलिटीज हैं, ये सारी दिल्ली सरकार का सहयोग के साथ चले। दिल्ली सरकार ने जो यहाँ के लोकल डीएम हैं उनको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। डॉक्टर, नर्सेस और सारा स्टाफ जो है वो दिल्ली सरकार इसमें प्रोवाइड करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस जगह को अपने LNGP हॉस्पिटल के साथ जोड़ा है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ICU बेड जो है इस हॉस्पिटल के लिए LNGP में रिजर्व रहेंगे। ये प्रॉपर कोविड केयर सेंटर जो है पिछले 10 दिन के अंदर हमने जैसे आर्मी का टेम्परेरी हॉस्पिटल होते हैं उस स्तर पर इसको बनाने की कोशिश की है। इस कोविड केयर हॉस्पिटल के अंदर हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सरदार हरमीत सिंह कालका, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में, वो हमारे इसके नोडल ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे। और कल से ये फैसिलिटी ऑपरेशनल होगी। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस सर्विस भी फ्री सर्विस प्रोवाइड होगी। हर तरह की फैसिलिटी का इंतजाम किया गया है, डॉक्टर नर्सेस के लिए रहने से लेकर उनकी केयर करने का और पेशेंट्स की केयर करने का, खाने पीने से लेकर यह हर चीज़ का इंतजाम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करेगी। मैं इसके साथ ही विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है, जिसके कारण ये फैसिलिटी 10 दिन के अंदर हमने तैयार किया। और सेकेंड फेज में हम गुरुद्वारा बाला साहिब स्थित अपने हॉस्पिटल, उसका भी हमने काम वार्ड लेवल पे शुरू कर दिया है। सेकेंड फेज में हम फैसिलिटी वहाँ पे शुरू करेंगे। इस मौके पे मैं जरूर धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इस मानवता के ऊपर जो बहुत बड़ा संकट आया है और उसके लिए जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है, इस कोविड केयर के लिए 2 करोड़ रुपया उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, दैट सिक्स आर ट्रू लेजेंड्स, और मैं सिखों की सेवा को सलाम करता हूँ, ये जो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने जहाँ ये अमाउंट भी दिया, वहाँ रात दिन इसकी चिंता भी करते थे कि कब तक ये ऑपरेशन होगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो कंसल्टेटर्स हैं उसके लिए भी उन्होंने बहुत मशक्कत की, और यूरोप से उन्होंने हमें वो भी मंगवा के देने की बात कही, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो रात दिन इसमें लगे हैं। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो इन्हीं कंसल्टेटर को काला बाजारी कर बेच रहे हैं, जो लोगों की जानों की कीमत वसूल रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं देश के अंदर जो मानवता की सेवा में हमारा सहयोग कर रहे हैं।